Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So today I'll be recreating this look of Hina Khan from Nagin 5. So if you guys want to see how I recreated this beautiful sultry makeup look, please continue watching. And before that, make sure to like, subscribe and share. And now let's get started. It's very important step to prep your skin before doing makeup. So I'll be using this toner all over my face and uske baad main lagaungi cream. Aur bahut important hota hai guys, so don't skip using nice moisturizer. ओके उसके बाद मैं अपने ब्रोज को करूँगी टेम और मैं यूज़ कर रही हूँ रिमेल का ब्रो किट पाउडर और बहुत ही ब्यूटीफुल पाउडर है और मैं अपने ब्रोज को अच्छे से टेम कर दूँगी. अपने आईलिड एरिया को मैं सेट करूँगी यूजिंग दिस मैक पेंट पॉट. इट्स कॉल्ड सॉफ्ट ओकर. ये बहुत ही अच्छा एक बेस है आपकी आई शेडोज के लिए. आप चाहें तो आप कंसीलर भी यूज़ कर सकती हो, कोई भी लाइट कंसीलर यूज़ कीजिए. और इसी से मैं अपने ब्रोज को काव आउट भी करूँगी सो दैट एक क्लीन डिफाइंड लुक आए. टू सेट माई आईलिड एरिया आई बी यूजिंग दिस एयरस्पन लूज पाउडर. For the eyeshadow palette, guys, I'll be using Morphe 35O palette और उसमें से ये color मैंने उठाया है जिसके ऊपर snake बैठा हुआ है. वो color को मैं लगाऊंगी as a transition color all over my eyelid area with the help of fluffy blending brush. अब same color को मैंने उठाया, not same को, थोड़ा सा इससे deeper है वो orange color, उसको मैंने उठाया है और उसको same area में place करूँगी जहाँ पर मैंने वो light color use किया था. अगर आप देखेंगे हिना खान की eyes पे एक ऐसा ही orangish transition है. और इस शिमर आई शेडो को मैंने यूज़ किया है अंडर माई ब्रो बोन और ये बहुत ही अच्छा एक हाईलाइटेड इफेक्ट क्रिएट कर देता है. एज इट इज़ अ ब्लैक स्मोकी आईज तो मैं सबसे पहले बेस तैयार करूँगी अपने पाउडर आई शेडोज के लिए और मैं यूज़ करूँगी मेबेलिन जेल लाइनर. ये बहुत ही अच्छा बेस होता है आपकी कोई भी स्मोकी आईज अगर आपको क्रिएट करनी हो. और आप देखेंगे हिना खान के जो इनर कॉर्नर्स हैं उन्होंने वहाँ तक प्लेस नहीं किया है कलर, उन्होंने ओनली हाफ द वे लिड तक प्लेस किया है जैसे मैं कर रही हूँ. और जो इनर हाफ होगा उस पर मैं लगाऊंगी शिमर आई शेडो लेटर ऑन. अब मैं इस ब्लैक को सेट करूँगी यूजिंग दिस स्लीक पैलेट और उसमें से ये ब्लैक कलर उठाया है. इस ब्लैक कलर के अंदर हल्के से थोड़ी शिमरी पार्टिकल्स हैं तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट क्रिएट कर देगा मेरे आईलिड एरिया के ऊपर. इसको सिर्फ प्लेस करूँगी विद द हेल्प ऑफ फ्लैट डिटेलर ब्रश. Hina Khan has a tint of grey on her eyelid area, so I'll be using this number 7 color. और ये बहुत ही beautiful blackish grey color है और उसको मैं same पूरे eyelid area पर लगाऊँगी just to add that extra effect. And then with the help of blending brush, I'll merge all the colors very properly. अगर आप उनकी पिक्चर्स में नोटिस करेंगे तो उनकी इनर कॉर्नर्स में कोई भी कलर नहीं है, उन्होंने सिर्फ एक शिमरी और ग्लिटर्स ऐड किए हैं अपने इनर कॉर्नर्स के अंदर. आप ध्यान से देखें तो आपको नज़र आएगा. तो मैं इसको लगाऊंगी इस कलर को विद अ फ्लैट डिटेलर ब्रश और उसके बाद मैं लगाऊंगी ग्लिटर्स. ग्लिटर्स उनके ज़्यादा हैवी नहीं हैं, बिल्कुल लाइटली डिस्पर्स्ड से हैं उनके ग्लिटर्स, बहुत इंटेंस ग्लिटर वाली लुक नहीं है. तो पहले मैं लगाऊंगी इसको और फिर फिंगर की हेल्प से उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी सो दैट कि एक स्टार्क सी लुक ना आए और बहुत ही डिस्पर्स्ड सी इफेक्ट आए मेरे आईलिड्स पर. एंड गाइज यू नो वॉट, मैंने ये जो वीडियो है हिना खान का रिक्रिएशन मैंने सेकेंड टाइम फिल्म किया है. फर्स्ट टाइम पे मेरे से गलती हो गई थी, मैंने ब्लैक की जगह सिल्वर आइज क्रिएट कर दी थी, बट दिस टाइम आई थिंक आई डिड अ प्रीटी गुड जॉब. तो मेरी इस सेकेंड अटैम्प्ट के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया है मेरे चैनल को. तो चलिए मैं लाइनर लगाऊंगी और लाइनर के लिए मैं कोई ज़्यादा नहीं फैंसी कर रही हूँ, ओनली अ स्मॉल छोटी सी लाइन मैं ड्रॉ कर रही हूँ. और फिर मैंने एक मेकअप वाइप ली है और सारा जो एक्सेस फॉल आउट हुआ था मैं भी दिखाऊंगी आपको, सब रिमूव हो जाएगा. सो इसलिए जब भी आप स्मोकी आइज करें हमेशा अपना आई मेकअप पहले करें, अदरवाइज आपका बेस मेकअप रुइन हो जाएगा. और फिर मैं अंडर आई एरिया क्रीम, सॉरी अंडर आईज पे क्रीम लगा लूंगी. तो अब मैं लगाऊंगी प्राइमर और प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का प्राइमर. ये जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए परफेक्ट प्राइमर है गाइज.
तो मैं यूज़ कर रही हूँ इल्यूमिनेटिंग ड्रॉप्स फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड. मेरा शेड है गॉड इज़ ग्लो और उनके फेस पे बहुत ही ब्यूटीफुल ग्लो है और मैं इसको लगाऊंगी विद द हेल्प ऑफ बफिंग ब्रश. सो फॉर द फाउंडेशन गाइज, आई बी यूजिंग दिस मेबलिन फिट मी फाउंडेशन और जो इसका फॉर्मूला है वो है ड्यूई फार्मूला. बहुत ही ब्यूटीफुल फिनिश दी है, बट द ओनली ड्रॉबैक इज ये पम्प के साथ नहीं है और जो मेरी पहली फाउंडेशन थी फिट मी की वो पम्प के साथ थी. सो दिस रियली डिसअपॉइंटेड मी कि पम्प के साथ क्यों नहीं आया, अदरवाइज द फिनिश सो 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 ब्यूटीफुल, सो गॉर्जियस, बहुत ही लाइट वेट है और ईजली ब्लेंडेबल है गाइज. तो अगर आप ड्राई स्किन में हो तो आप इस फाउंडेशन को डेफिनेटली ट्राई दे सकते हो. ये ड्यूई फिनिश में आती है तो ड्राई स्किन पीपल विल लव दिस. और ये जो इसका अंडरटोन है वो भी येलो है तो येलो अंडरटोन्स हम इंडियंस के लिए परफेक्ट रहता है. सो इसको पैटिंग पैटिंग मोशन में लगाऊंगी और आप देखिए फिनिश कितना ब्यूटीफुल है. और ज़्यादा भी नहीं मैंने लगाई थी फाउंडेशन, ओनली डॉट डॉट करके थोड़ा थोड़ा ब्लेंड किया मैंने इसको और आप देखें कितनी नेचुरल सी फिनिश लग रही है मेरे फेस पर. और विद द ब्यूटी ब्लेंडर आई विल ब्लेंड इट वेरी सीमलेसली. हिना खान के फीचर्स बहुत ही ज़्यादा एनहैंस्ड है तो मैं यूज़ कर रही हूँ पहले क्रीम कंटूरिंग और मैं यूज़ कर रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड की ओक्स ऑन यू. ये बहुत ही अच्छी इसकी ब्लेंडेबिलिटी है गाइस और ये बहुत नेचुरल फिनिश देता है. तो अगर आप अपने फीचर्स को हाईलाइट करना चाहते हो डेफिनेटली गो फॉर क्रीम कंटूरिंग और लिक्विड कंटूरिंग. बट अगर आप बिगिनर हो गाइस आई विल नॉट रेकमेंड यू क्योंकि आप मेसअप कर सकते हो अपने फाउंडेशन के साथ. तो कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये हैवी कंसीलर जो कि है मेकअप रेवोल्यूशन का और इसमें मैं मिक्स करूँगी मेबलिन फिट मी कंसीलर क्योंकि मेबलिन फिट मी कंसीलर थोड़ा येलो अंडरटोन का है और वो ब्राइटन अप करने के लिए बहुत ही परफेक्ट है. और ये जो कंसीलर है मेकअप रेवोल्यूशन का ये मेरे स्किन टोन से बिल्कुल मैच करता है तो इसीलिए इन दोनों को मिक्स करके मैं एक हाइलाइटेड इफेक्ट भी दूंगी और साथ में मैं एक अपने अंडर आई एरिया को अच्छे से कवर भी कर दूंगी. एक टिप यहाँ दूंगी, जब भी आप डार्क स्मोकी आईज़ करते हैं ना गाइस तो अपना अंडर आई एरिया हमेशा ब्राइटन रखें, उसी से आपकी जो आई लुक होती है वो ज़्यादा उभर कर आती है. तो अपने अंडर आई एरिया को डल ना रखें, ब्राइटन रखें. ओके, तो मैं लगाऊंगी क्रीम ब्लश पहले क्योंकि हिना खान ने पूरे अपने चीक्स पे और अपने नाक पे ना बहुत ही अच्छा इफेक्ट दिया है, वो पिंकी पिंकी, तो मैं बहुत ही ब्लश्ड लग रही है उनकी चीक्स. तो पहले मैं क्रीम ब्लश लगाऊंगी, उसके बाद मैं लेयरिंग करूंगी पाउडर ब्लश की. फिर मैं अपने अंडर आई एरिया को सेट करूंगी यूजिंग सेम एयरस्पन लूज पाउडर और ये बहुत ही अच्छा नेचुरल फिनिश देता है. आप चाहें तो आप मेबलिन फिट मी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं. और पूरे फेस को मैं सेट करूंगी यूजिंग प्रेस्ड पाउडर फ्रॉम सोप एंड ग्लोरी और ये बहुत ही अच्छा, इसके अंदर येलो टिंट है तो ये मेरे फेस को और भी ज़्यादा फ्लॉलेस और ब्राइटेंड दिखाएगा. तो मैं अच्छे से अपने फेस को सेट करूंगी. मैं देख रही हूँ कि कहीं पर वो क्रीम सा फिनिश तो नहीं आ रहा है, अदरवाइज़ ब्लॉची लग सकता है जब मैं इसको पाउडर के साथ कंटूरिंग करूंगी. तो इसलिए सेट कीजिए अच्छे से अपना फेस फॉर दैट फ्लॉलेस फिनिश. टू ब्रॉन्ज अप माई फेस आई बी यूजिंग हुला ब्रॉन्जर और आपको 3 क्रिएट करना होता है फ्रॉम योर हेयर लाइन टू चीक्स टिल योर जॉ लाइन. ओके, तो आप अच्छे से ऐसे ब्रॉन्जर को प्लेस कर सकते हैं और आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं. ब्रॉन्जर बहुत ही अच्छी वॉर्म्थ ऐड कर देता है फेस के ऊपर. I'll be placing same loose powder under my cheekbone area because I want my cheeks to look plumped and क्लीन इफेक्ट चाहती हूँ मैं. और फिर मैं यूज़ कर रही हूँ NYX का ये ब्लश और आप देखेंगे उनके फेस पे बहुत सारा ब्लश है और बहुत ही गुलाबी गुलाबी उनकी गाले लग रही हैं गाइस. तो उन्होंने नाक पर भी बहुत सारा ब्लश लगाया है जस्ट टू गिव दैट नागिन वाला इफेक्ट. तो मैं भी भर भर के लगा रही हूँ और मैंने जो एक्सेस पाउडर लगाया था उसको भी मैं रिमूव कर दूँगी और आप देखेंगे कितना क्लीन सा इफेक्ट आ रहा है मेरे चीक्स पर. फिर मैं अपने अपर लैश लाइन को टाइट लाइन करूँगी यूजिंग मेबलिन जेल लाइनर और फिर मैं अपने वाटर लाइन पर भी काजल लगाऊंगी और लोअर लैश लाइन पे जो मैंने काजल लगाया था उसको मैं सेट करूँगी यूजिंग दिस ब्राउन डार्क ब्राउन कलर और इसको ऑल द वे
इनर कॉर्नर्स तक नहीं लेके जाऊंगी, सिर्फ हाफ द वे तक सेट करूंगी और इनर हाफ तक मैं लगाऊंगी सेम आई शेडो जो मैंने अपने ब्रो बोन के नीचे लगाई थी। और आप देखेंगे उनके आईज पर बिल्कुल डेफिनेटली सेम ही कलर है और बहुत ही गोल्डनिश शैम्पेन कलर है उनकी वाटर लाइन पर। और लोअर लैश लाइन पर मैं लगाऊंगी मस्कारा। और लिप्स के लिए उनके लिप्स बिल्कुल न्यूड हैं, बिल्कुल लाइक पिंकिश न्यूड होता है ना, पिंकिश से भी बहुत ही ज़्यादा पेल वाला न्यूड वो लगाया है। तो पहले मैं लिप लाइनर लगाऊंगी और उसके बाद मैं उसको फिल इन करूंगी अपने लिप्स को इसी लिप लाइनर से, और फिर हल्का सा मैं ग्लॉस ऐड करूंगी गाइस। और फिर मैं लगाऊंगी बहुत सारा हाइलाइटर, थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो फिर मैंने ब्यूटी स्पंज की हेल्प से अच्छे से टैप टैप किया। और मेरी जो ज्वेलरी है ना गाइस, ये जो नोज़ रिंग आप देख रहे हैं, नथनी मेरी, ये मैंने खुद से बनाई है। मेरे पास एक नोज़ रिंग थी और मैंने ये जो चेन है खुद से अपनी कोई नेक पीस को तोड़ मरोड़ के बना दी है। और दिस इज़ द फाइनल लुक। और ये फ्रेकल्स ऐड किए हैं, अगर आप देखेंगे उनकी पिक्चर को ध्यान से, उनके फेस पे हल्के से फ्रेकल्स एडेड हैं और बहुत ही अच्छा इफेक्ट क्रिएट हो रहा था, बिल्कुल नागिन वाला देखिए आप उनके फेस पे, है ना। तो मैं वही सेम जेल लाइनर से बिल्कुल डॉट डॉट करके और फिर ब्रश की हेल्प से उसको टैप टैप करके एक्सेस रिमूव कर दूँगी। सो दैट्स इट गाइस, हो गई आपकी मोनिका नागिन तैयार। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को थम्स अप दीजिएगा, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैवेंट, और फ्यूचर में कोई और भी रिक्रिएशन सीखना चाहते हो ना प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, आई विल डेफिनेटली डू इट। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ अपनी दूसरी वीडियो में, एंड टिल देन यू स्टे हैप्पी, टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइस, एंड आई लव यू ऑल सो सो मच। बाय गाइस, टेक केयर।